मौनी अमावस्या के मौके पर इलाहाबाद के महाकुंभ में शाही स्नान पर करोड़ों की तादाद में लोगों ने पवित्र संगम में लगाई डुबकी। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, यूपीए सरकार आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देती है सबसे ज्यादा प्राथमिकता। इस मामले पर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति। सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाने में कभी नहीं हिचकिचाई। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। इसमें इस महीने के अंत में होने वाली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ढाका जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा के प्रवेश के लिए 16 लाख बच्चों ने दी परीक्षा। कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद चयन परीक्षाएं हुई निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो की मंजूरी के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की कार्रवाई जोरों पर। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। कश्मीर घाटी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आज दूसरे दिन भी जारी। प्रशासन ने एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवा को फिलहाल किया बंद। प्रदेश के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की गई तैनाती। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कश्मीर घाटी में आज भी सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनल रहे बंद। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं वितरण हुआ प्रभावित। घाटी में 60 से अधिक उर्दू एवं अंग्रेजी के समाचार पत्र नहीं हुए प्रकाशित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रस्तावित त्रिपुरा दौरा रद्द। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से रद्द करना पड़ा दौरा। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के कारण पूर्वोत्तर इलाके में करीब 6.5 लाख से ज्यादा घरों में कड़ाके की सर्दी से बिजली गुल। हजारों उड़ानों को करना पड़ा रद्द। लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने की दी गई है सलाह। यूरोपीय संघ के देशों के बीच अगले 7 साल के लिए 1300 अरब डॉलर के बजट पर बनी सहमति। इससे 27 देशों के इस समूह को भविष्य में खर्च की मुश्किल को हल करने में मिलेगी मदद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान। गौतम गंभीर टीम से बाहर, वहीं हरभजन सिंह ने टीम में की वापसी। शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार टीम में नए चेहरे। नाइजीरिया और बुर्किना फासो आज रात अफ्रीकन नेशंस कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। नाइजीरिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि बुर्किना की टीम पिछली चैंपियन जाम्बिया से प्रेरणा लेते हुए उलटफेर करने के लिए है तैयार। शेष भारत ने ईरानी कप जीता। मुंबई के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पहली पारी के बढ़त के आधार पर घोषित की गई जीत।